दम भर जो उधर मुंह फेरे ओ चंदा। दोस्तों, नरगिस का असली नाम फातिमा राशिद था, जो उन्होंने फिल्मों के लिए बाद में बदलकर नरगिस कर लिया था। जाने न नजर पहचान जिगर, ये कौन जो दिल पर छा। अभिनेत्री का जन्म एक पंजाबी मुस्लिम परिवार में 1 जून 1929 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ था। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी। उनके पिता का नाम अब्दुल राशिद था, जबकि हिंदू से मुस्लिम बनने से पहले उनका नाम मोहन चंद उत्तम चंद त्यागी था। जो एक अमीर पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते थे, उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत 1942 की फिल्म तमन्ना के साथ हुई। नरगिस की मां का नाम जद्दनबाई हुसैन था, वो बनारस की रहने वाली थी। उनका जन्म भी एक ऐसे मुस्लिम परिवार में हुआ था जो पहले हिंदू था। जद्दनबाई हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत की गायिका भी थी। नरगिस का परिवार पंजाब से इलाहाबाद चला गया था, इसके बाद वे कोलकाता शहर में बस गए थे। जब कोई लड़की कपड़े बदल रही हो तो वहाँ शरीफ आदमी नहीं आया करते। जी नहीं, मैं क्या जान। नरगिस का एक सौतेला भाई अनवर हुसैन भी उन्हीं की तरह एक अभिनेता थे। बतौर लीड एक्ट्रेस नरगिस की पहली फिल्म महबूब खान की तकदीर थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट मोतीलाल थे। तकदीर बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। और नरगिस को उनके काम के लिए भी सराहना मिली थी। इसके बाद उन्होंने दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ भी काम किया। जो मैं जानती उनके लिए, जो मैं जानती उनके लिए मेरे दिल में। नरगिस के करियर की कुछ शानदार फिल्मों की बात करें तो इस लिस्ट में आग, अंदाज, बरसात, बाबुल, आवारा, आह, श्री 420, चोरी चोरी, मदर इंडिया, रात और दिन जैसी कई फिल्में शामिल हैं। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। ग्यारह मार्च 1958 को नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली थी, जो एक हिंदू थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनील दत्त ने मदर इंडिया के दौरान सेट पर हुए एक हादसे से नरगिस की जान बचाई थी। सुनील दत्त से शादी करने के लिए नरगिस ने अपना धर्म परिवर्तन किया और एक हिंदू बन गई। शादी के बाद दोनों के 3 बच्चे संजय दत्त, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त हुए। संजय दत्त ने माता पिता की तरह एक्टिंग की दुनिया चुनी, वहीं प्रिया दत्त राजनीति के क्षेत्र में उतर गई, जबकि नम्रता ने अभिनेता कुमार गुराव संग शादी कर घर बसाया। आखिरी बार नरगिस 1967 की फिल्म रात और दिन में नजर आई। इस फिल्म में उन्होंने 15 साल के लंबे ब्रेक के बाद फिर से एक्टिंग की थी। जिसके लिए उन्हें क्रिटिक्स से खूब सराहना भी मिली। शानदार एक्टिंग करियर की वजह से नरगिस को 1980 से 1981 तक के लिए राज्यसभा की सदस्यता भी मिली, लेकिन इसी दौरान बीमारी के कारण उनका निधन हो गया था। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड की महान अभिनेत्री नरगिस कैसी लगती हैं? हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।